Good afternoon, friends, and welcome to this cabinet briefing. As you are aware, the Union Cabinet met today and took some important people-friendly decisions. To brief on these decisions, we have with us Honorable Minister for Information and Broadcasting and Sports and Youth Affairs, Sri Anurag Singh Thakurji. My warm welcome to the Honorable Minister. We'll have opening remarks by the minister first. After that, we can take some questions related to the cabinet decision. Over to you, Honorable Minister, sir. Namaskar. Aaj cabinet ki baithak mein प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट मेन समिट यहाँ पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहाँ एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। न्यू दिल्ली डेक्लरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए, आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के नेतृत्व को उसका श्रेय जाता है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं कि भारत बनकर उभर रहा है, भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो वो भी स्पष्ट तौर पर आपने भी उन 3 दिनों में देखा कि यहां पर जो जो हुआ। भारत से अरब देशों से होती हुई यूरोप तक जाने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है जो उसका हिस्सा है और इसकी भी देश और दुनिया भर में स्वागत हुआ है, तारीफ हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करें तो वो भी विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और उसको सफलता की ओर भी वो लेकर गए। अगर मुझे ये कहना हो कि मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस, तो उस दिशा में भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम दुनिया को देने हो, स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका हिस्सा रहा, ये सारे मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पहलुओं पर भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया जिसको आम सहमति से सबने पारित किया और पूरे देशवासियों की ओर से जहाँ एक और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद दिया, वहीं पूरे भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की सफलता। 2 निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिया, 200 रुपये कम किए और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 रुपये भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9,60,00,000 रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75,00,000 मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज़्यादातर परिवार लकड़ी कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं, और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75,00,000 कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है और उसको रिइंबर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है, और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा, लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी, जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4,400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रथम दो चरणों के में अगर आप देखें देश में 18,000 से अधिक कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया गया था। पहले फेज में लगभग 640 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जहां पर 14,239 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को किया गया था। फेज टू में लगभग 1,670 करोड़ रुपए खर्चा है, जहां पर 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन का काम किया गया था, और फेज थ्री के अंतर्गत अगले 4 साल में 2023-24 से इसमें कंप्यूटराइजेशन भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये उपलब्ध करवाई जाएगी, तथा वादियों और वकीलों को सिटीजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य रूप से केसेस की कॉज लिस्ट हो तथा जजमेंट की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कराने की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की सुविधा की प्रारंभ की जाएगी, और कोर्ट से संबंधित ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जैसा मैंने कहा, 4,400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रारंभ किया जाएगा, और ट्रैफिक चलान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लिटिगेंट अथवा वकील की उपस्थिति के बिना वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा लाइव कोर्टरूम स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रैफिक चलान के लिए लागू की गई वर्चुअल कोर्ट्स की व्यवस्था को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 24/7 सेवा के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन का कार्य किया जाएगा। सो कुल मिलाकर 7,210 करोड़ रुपए की लागत से 7,210 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट्स के एसेट्स के मेंटेनेंस, अपकीप और रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देने के लिए भारत सरकार, हाई कोर्ट तथा राज्यों सरकारों के बीच एक ट्राइपार्टाइट एमओयू भी हस्ताक्षरित करेगी। तो कुल मिलाकर जहां एक ओर से टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन होगी, जिससे जो मुकदमे हैं उसके शीघ्र निष्पादन में मदद मिलेगी, सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल वादों का निष्पादन ग्लोबल बेंचमार्क टाइमलाइंस के अनुसार करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। वी कैन बिगिन विद द सम क्वेश्चंस। विल बिगिन 170 देयर। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। जैसा कि आपने कहा कि उज्ज्वला कनेक्शन के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें पहला रिफिल और पहला और स्टोव का जो खर्च है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वहन करेंगी, तो ये खर्च कितना होगा इसका कुछ अंदाज़ा आप दे सकें? और क्या किसी एक घरेलू कंपनी में, फार्मा कंपनी में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गई है? मैं जहाँ तक ये दो बातें आपके सामने रखी, पहला लगभग 1,650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन सपोर्ट के रूप में 2,200 रुपये दिए जाएंगे, जो डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर खर्चा जो आता है वो कनेक्शन की कॉस्ट और स्टोव और गैस यानी कि LPG के सिलेंडर का, इसका खर्चा आता है। तो कनेक्शन का खर्चा जहां एक और भारत सरकार ने पहले कहा कि हम लोग दे रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको रिम्बर्समेंट के रूप में पैसा मिलता है वापस, वो लगभग 2,200 रुपये उनको रिम्बर्स किया जाता है। जो बर्नर और LPG सिलेंडर की कीमत है। नेक्स्ट, यू कैन। कुल खर्चा भी आप जानना चाहते हो कितना होगा? 1,650 करोड़। पहला रिफिल है और स्टोव का खर्चा जो OMC अपनी तरफ से देंगे, क्या वो भी सरकार रिइंबर्स कर रही है या फिर OMC खुद वहन करेगी? इसमें से एडिशनल कॉस्ट जो है, जो दो बर्नर्स की है, स्टोव की बात करते हैं वो और रिफिल, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वहन कर रही, लेकिन उसको रिइंबर्समेंट भारत सरकार कर। तो प्रति कनेक्शन मैंने आपको 2,200 रुपए बताया, वो वही है। रिगार्डिंग फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट्स मिशन, यू नो, डज दिस कंफर्म दैट ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री विल बी कंप्यूटराइज्ड एंड यू नो विल बी ऑनलाइन, और यू नो यू हैव अ डिफरेंट प्लान फाइनली फॉर दिस? देखिए, कोविड के समय भी आपने देखा कि कैसे ई कोर्ट से लाभ मिला, जहाँ एक और मुकदमे जारी रहे, वकील भी हाजिर होते रहे और न्याय भी जल्द से जल्द मिले उस दिशा में, और ट्रांसपेरेंसी आई रिकॉर्ड की अपकीप हो, पेपरलेस कोर्ट्स हो, इसमें से हर किसी को लाभ है, जो लिटिगेशन में उसको भी लाभ है, वकीलों को भी, और कुल मिला के आपको न्याय भी जल्दी मिलता है। इसी दिशा में पहले और दूसरे चरण के बाद, जैसे मैंने आपको लागत भी बताई, अगर पहले के ऊपर 639 करोड़ खर्च हुए थे तो अगले के ऊपर 1,670 करोड़, लेकिन इसके ऊपर 7,210 करोड़ पे खर्च किए जा रहे हैं। और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की जब हम मैं बात साथ में जोड़ रहा हूँ, और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि एक प्रक्रिया और सरल हो,
और इसके इंटीग्रेशन से न्याय भी जल्दी मिल पाएगा और जो कई अड़चने मुश्किलें आती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पे लिटिगेशन करने वाले को भी और कोर्ट में न्याय दिलाने वालों को भी दोनों को ही एक सुविधा के रूप में ये टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जहां पर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सारी उपलब्ध होंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की भी जब मैंने इसमें बात जोड़ी है तो उससे भी इसका लाभ मिलने वाला है। और ई सेवा केंद्र जो है इससे लगभग सारे ही पूरे हो जाएंगे 7,210 करोड़ से। We'll take one question from the front row, please. This side, sir. If my memory, serves me right, I think in the last cabinet briefing also you had talked about the 75 lakh new connection. So what was the new in this cabinet decision? Second part. मंजूरी मिली है ना? अच्छा पिछली बार बोले कम हुए थे। ना 75 लाख वाला बोले थे सर, हम लोग लिखे भी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दूसरा है सर, ये आज बजट का प्रावधान भी 1,650 करोड़ रुपए का साथ में कर दिया गया है। सेकंड पार्ट अबाउट 3 वर्षों के लिए सर, सेकंड पार्ट अबाउट दिस नो ई कोर्ट्स, इस पे जो दिस एंटायर कॉस्ट विल कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और इट विल बी अगेन शेयर बाय स्टेट एंड सेंटर, हाउ मच विल बी द शेयर? आपने अच्छा सवाल पूछे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 7,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने अंत में आपको अपने शुरू के बाद जब शुरू में कहा था कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इसमें होगा, मेंटेनेंस अपकीप और रिप्लेसमेंट का राज्यों की जिम्मेदारी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में ही मंजूरी हुई है इसकी। नहीं नहीं, ऐसा है, पहले फेज पे 640 करोड़ पे खर्च हुए, उसमें आपको 14,239 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उनमें काम हुआ था, जहां पर लैपटॉप दिए गए थे लगभग 14,309 जुडिशियल ऑफिसर्स को, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीसी फैसिलिटीज ये सब उपलब्ध करवाई गई थी। फिर ई कोर्ट्स का जो मिशन मोड प्रोजेक्ट टू फेज टू शुरू हुआ उसमें 1,670 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसमें 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन हुई, जिसमें लगभग 99.4% कोर्ट कॉम्प्लेक्स अक्रॉस इंडिया उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग बीसी और ये सब ई फाइलिंग की सुविधा SMS ईमेल वगैरह दिए गए। अब तीसरा फेज शुरू हुआ है जिसकी मंजूरी हुई, इस पे 7,210 करोड़ रुपया खर्च होगा अगले 4 साल में। इसमें ICT की सुविधा होगी, MOU होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और राज्य की सरकारों के बीच में, ये सारी ई फाइलिंग वर्चुअल कोर्ट्स हार्डवेयर ये सारा खर्चा भारत सरकार कर रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप। जब ये MOU होता है इसके बाद तो मेंटेनेंस अपकीप और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर जाएगी। तो इससे हमें उपलब्ध क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेस टू द जस्टिस, लीगल अवेयरनेस होगी इससे और एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। इससे जुडिशरी का भी बेनिफिट होता है, नागरिकों का भी होता है और लिटिगेशन करने वाले हमारे लोग या एडवोकेट्स उनका भी होता है। तो कुल मिलाकर सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है जहां न्याय भी जल्दी होगा और न्याय प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से सरलता भी आएगी, सुगमता भी होगी और सफलता भी मिलेगी। तरुण का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा, MOU जो है वो हाई कोर्ट राज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच में या तरुण गोयल जो हाई कोर्ट
बड़े स्टेट्स में क्या ई कोर्ट्स और भी खोले जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद और लखनऊ है, तो क्या ई कोर्ट्स के जरिए बाकी जगह हाई कोर्ट की बेंचेस खुल सकती हैं इस स्कीम के अंदर? चलिए we'll take a question from this side. इससे और सरल होगा ना जी, उड़ीसा का भी एक उदाहरण है जहाँ पर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट से ही आप अपनी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो ई कोर्ट्स के माध्यम से। अब आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही अपना केस भी लड़ सकते हो। ई कोर्ट से बहुत सुविधा भी हुई है, आपको फिजिकली वहाँ पे अपीयर नहीं होना पड़ता। और छोटे कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं जहाँ पर इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता देखी गई, तो उसको वहीं से शुरू किया गया था, डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेते हुए इसको पूरा पहले दो चरण अगर आप देखोगे वहीं पे फोकस ज़्यादा किया गया सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ई कोर्ट्स की भी सुविधा देने का। कैबिनेट में जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव पारित पेश किया, आप सब ने उसे प्रस्ताव को मंजूरी दी और पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने आज G20 की तारीफ कर रहा है जिस तरह से आयोजन हुआ है और जो उसके फैसले हुए हैं। लेकिन भारत में ही कई ऐसे लोग हैं, विपक्षी दल खासकर लालू यादव ने एक वीडियो भी जारी किया है कि इतने बड़े आयोजन से गरीबों को क्या मिला। देखिए मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट से जुड़ा हुआ विषय हो तब तो बहुत अच्छा है, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब कैबिनेट ब्रीफिंग के बाहर आप पूछ लेंगे तो मैं आपको इसका उत्तर भी दे दूंगा। 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और भारत का मान सम्मान अगर G20 के आयोजन से बड़ा है, तो वहीं पर अगर हर खाने की टेबल पर मिलेट को लेकर, मोटे अनाज को लेकर आज अगर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो छोटे किसान का कहीं पर लाभ हुआ है? आज अगर भारत की कला संस्कृति परंपराओं की चर्चा होती है, भारत के पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलने की बात है, तो G20 के इस पटल के माध्यम से हुआ है। यही नहीं, अगर बायोफ्यूल अलायंस की आप बात करते हो तो बायोफ्यूल अलायंस में किसका लाभ होगा? अगर पेट्रोल में इथेनॉल जुड़ेगा तो किसान के ही खेत से निकलने वाली उपज का सबसे बड़ा लाभ किसान को मिलने वाला है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण, अगर ये भारत अरब जगत से होते हुई अगर यूरोप तक की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी, किसको लाभ मिलेगा? यहाँ के 90 लाख लोग जो अगर वहाँ पर काम करते हैं अरब देशों में, उनके आने जाने की सुविधा, यहाँ के अनाज सब्जियों से लेकर भारत के ट्रेड को जो बल मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हम स्किलिंग की बात करते हैं तो दुनिया में आज कहाँ पर सबसे बड़ी संभावना है? भारत में है, भारत के गरीब और जरूरतमंद को ही लाभ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने किसी का चारा भी नहीं छोड़ा हो, आप उनसे चलिए आगे करें। 78 and after that we come to the front row. Yeah, please go ahead. Remaining of the months, what number has been estimated of for free connections of LPGs, and what would be estimated cost for that out of the 1650 crore? And also, I mean, sound repetitive, I need a clarification on this 2200 rupees, that's for the first connection, right? And what might be the cost for refills, the free refill which the OMC would bear? Let me again say it for more clarity. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a great success. The international agencies have also acknowledged it and said it, on one hand it has saved environment, on the other hand the woman health. If you look at the from 2015-16 onwards till now, 9 crore 60 lakh Pradhan Mantri Ujjwala gas connection were given. As of today there are 33 crore LPG gas cylinder connections. In 2014, it was 14.5 crore connections, which went up to 33 crore in the last 9 years. That means the Modi government has provided close to 18.5 crore LPG gas connections in the last 9 years. Now,
When the families are growing, जब न्यूक्लियर फैमिली होती है, परिवार बड़ा हुआ, अलग चले गए, अलग राशन कार्ड बना, दे ऑल्सो हैव अ डिमांड टू गेट मोर एल पी जी कनेक्शंस टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. एंड एनी वन हु इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड एंड स्टिल डिपेंडेंट ऑन वुड और कोल शुड बी मूव टूवर्ड्स एल पी जी गैस सिलेंडर्स. सो फ्री एल पी जी गैस कनेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 3 years. And total number of 75 lakh LPG connections will be made available under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. The total cost to the government will be 1,650 crore rupees. And if you look at the reimbursement to the LPG for the companies, oil companies, is close to 2,200 rupees per connection. Yeah, please. Sapna here from CNBC. So just two questions and completely clarificatory in nature. So this 1650 crores approved by the cabinet today, so ye additional amount hai, right? Because ye 75 lakh connections there honge. And this will pan out over the next 3 years. Basically this. Aur sir, abhi tak ka PM Ujjwala budget kitna hai? Kuch aapne shayad last time number diya tha sir. To ye usme thoda sa add ho jayega basically. 9 crore 60 lakh एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को दिए गए. आज अगर देखें तो जो गैस के दाम हैं, जो मैंने रक्षाबंधन और ओनम के दिन कहा था कि 1100 रुपये जो एलपीजी सिलेंडर का दाम है उसको कम करके 900 रुपये कर दिया है, लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं उनको 900 रुपये के ऊपर भी 200 रुपये की और जो सब्सिडी मिलती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी. ये सब्सिडी वाला पार्ट एक अलग है जो कंटिन्यू करेगा उज्ज्वला गैस योजना वालों को. आज नए कनेक्शंस की मंजूरी की गई है, जो 75 लाख नए कनेक्शन जो भी उस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पाए जाएंगे उनको अगले 3 सालों के अंदर 75 लाख कनेक्शंस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका भारत सरकार को 1650 करोड़ रुपए खर्च वहन करना पड़ेगा. 2200 रुपया प्रति कनेक्शन एलपीजी, ये जो आपका स्टोव और गैस रिफिल जो पहला देते हैं उसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाएगा. वो भारत सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देगी. ठीक है. I'm sorry to interrupt. You have a supplementary? Yeah, small please. One, not on this, but so on the e-courts also, like, can we assume now that all the courts will be covered after today's this thing approval? I'm sorry, I was a bit late, so my bad. छोटा सा अगर आप ब्रीफ में बता दें, आपने काफी एक्सप्लेन किया है. उसी दिशा में दिए जी, सभी कोर्ट्स को करने के लिए ही दिए हैं. जो सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको जो पहले सुविधा दी गई उसी में ही, और सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो पहले 2 चरणों में किया, अब 3rd चरण में उसमें कुछ कंपोनेंट को और जोड़ा गया है. जैसे 4400 ई सेवा केंद्र वहां पर खोले जाएंगे. साथ में कहा गया कि केस रिकॉर्ड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इन सब के डेटा को भी क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी, तो उसके ऊपर खर्च आएगा. पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करने के लिए ई फाइलिंग और ई पेमेंट्स को भी यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, और लेगेसी रिकॉर्ड्स हैं उसको भी डिजिटाइजेशन करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस की सिस्टम स्थापित किए जाएंगे और सुविधा दी जाएगी. लाइव कोर्ट रूम स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप भी अपने ऑफिस में बैठ के देख सकें. ट्रैफिक चलान, इसको भी अगर लिटिगेंट नहीं भी है तो 24 घंटे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वर्चुअल कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी ताकि आपको चलान को आप भुगत सकें. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का कार्य पूरा किया जाएगा. सर, आई थिंक विद दैट समरी वी कैन एंड द कैबिनेट ब्रीफिंग. थैंक यू वेरी मच सर.